नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा। आज बात करेंगे बैटल ऑफ एलेनाबाद की। एलेनाबाद में जिस तरीके से चुनाव दिन पर दिन आगे बढ़ रहा है, लगातार विवादित बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। जी हां, एक दूसरे को किसी न किसी तरीके से घेरा जा रहा है। बात अगर करी जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो गोविंद कांडा के रूप में उन्हें एक अपना योद्धा ऐसा मिला है, जिसको लेकर के तमाम नेता जो हैं, पार्टी के तमाम दिग्गज नेता जो हैं, एकजुट होकर के अब उन्हें जितवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रंजीत चौटाला जो 2014-2019 में उनके खिलाफ लड़े थे, एक दूसरे के खिलाफ तमाम बातें कही भी गई होंगी चुनाव में, जैसा अक्सर होता है, अब वो उनके लिए वोट मांग रहे हैं। उनका कहना है कि भाई पार्टी ने कहा है तो करना तो है ही काम। दूसरी तरफ चौटाला परिवार बिखराव के बाद अपने ही गढ़ में पहली बार आमने सामने हैं और एक दूसरे को हराने की जद्दोजहद जो है वो पुरजोर तरीके से हो रही है। अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, ये सत्ता पक्ष की तरफ से प्रचार कर रहे हैं, तो अभय सिंह चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला के पुत्र जो हैं वो भी तीन तीन पीढ़ियां जो हैं वो लगे हुए हैं किस तरीके से गढ़ को बचाएं। तो क्या होगा एलेनाबाद के इस पूरे रण में, ये देखना होगा। लेकिन सबसे ऊपर जो मुद्दे होने चाहिए थे, क्या वो सबसे ऊपर हैं, यही सवाल, और इसी के इर्द गिर्द आज की पूरी चर्चा होगी और होगा बड़ा मुद्दा में पूरा डिस्कशन। और हमारे तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे हमारे साथ आज बैटल ऑफ एलेनाबाद। तो चलिए शुरुआत करेंगे चर्चा की। हमारे साथ वंदना पोपली हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, विजेंद्र रेडू आईएनएलडी से के प्रवक्ता हमारे साथ, शंभू भद्र वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से भी हमारे साथ उनके प्रवक्ता जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप सभी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वंदना जी, आपसे शुरुआत कर रहे हैं, पार्टी किन चीजों को आगे लेकर के चल रही है और इस पूरे चुनाव में, क्योंकि अब बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है, तो ऐसे में अब कौन सी चीजें जो है वो प्राथमिक रहेंगी और कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो सबसे आगे पार्टी लेकर के चल रही है? देखिए, मुझे लगता है कि अभी आपने जो यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है बैटल ऑफ एलेनाबाद, तो ये बैटल फॉर डेवलपमेंट होनी चाहिए और हमारा जो इशू है वो भी वही है। मुझे लगता है कि अब समय है एलेनाबाद की जनता को समझ लेना चाहिए कि जो कहते थे कि एक बार जीता तो इस बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो अब तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी जेजेपी की सरकार ऑलरेडी चल रही है और उसमें अगर ये कितना भी जोर लगा लें, मुख्यमंत्री तो बनना दूर ही, अभी विधायक बन जाए वही इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता नहीं कहीं से भी वो बन पाएंगे, तो वो जो एक दिखावा करते रहे कि मैं हम मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, उसको एलेनाबाद की जनता को समझ लेना चाहिए। मैं मानती हूँ समझ भी रही है, क्योंकि अब विकास को साथ लेकर चलना है, उनको एक ऐसा वकील चाहिए जो विधानसभा में जाकर उनकी आवाज को उठा सके। हालांकि हम 90 की 90 विधानसभा में जो तमाम विकास कार्य हैं एक साथ कराते हैं, लेकिन एक जो वकील बैठकर इंस्टेंट आवाज पहुंचाता है, उसकी कमी हमेशा एलेनाबाद में रही है। अब जरूरत है कि एक ऐसा वकील जो सरकार के अंदर बैठे और इंस्टेंटली उनकी आवाज को उठाए और पहुंचाए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत लंबा समय हुआ, लेकिन अभय चौटाला जी ने कभी भी एलेनाबाद की आवाज विधानसभा में नहीं उठाई है। वो और मुद्दे उठाते रहे, इधर से भटकाते रहे, क्योंकि उनका एम कहीं ना कहीं सिर्फ मुख्यमंत्री को लेकर ही था, इसके अलावा उन्होंने कभी कुछ सोचा ही नहीं। एलेनाबाद की जनता के पास अब अवसर है कि वो हाथ को आगे बढ़ाएं और विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। ठीक है, विजेंद्र रेडू, INLD किन मुद्दों को लेकर मैदान में है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला वहां से विधायक रहे, इस्तीफा उन्होंने जिन मसलों को लेकर के दिया था वो मसले आज भी सामने खड़े हैं, फिर से चुनाव में वो हैं, तो अब किन विषयों को वो आगे रख रहे हैं और किन विषयों पर वोट मांग रहे हैं? अरुण जी नमस्कार। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभय सिंह जी ने सबसे पहले तो यही बात मैं आपकी लेता हूँ, जिस मुद्दे को लेकर के अभय सिंह जी ने इस्तीफा दिया था, आज भी वो मुद्दा जो का तो बना हुआ है, ये बात आपकी सत्य है और मैं बिल्कुल हार्डली उसको एक्सेप्ट भी करता हूँ। लेकिन अभय सिंह जी के इस्तीफे से एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात हिंदुस्तान के इतिहास में हुई है कि अभय सिंह के इस्तीफे ने सरकार को जनता के बीच में ला करके खड़ा कर दिया है। अगर अभय सिंह इस्तीफा नहीं देते तो हो सकता है हरियाणा की सरकार जनता के बीच में ना आती और वो जनता के बीच में आके जनता ने अपना मैंडेट देना है और जनता इस बात का सर्टिफिकेट देने का काम करेगी कि इनके द्वारा जो तीन काले कानून बनाए गए हैं वो सही है या गलत। नंबर एक बात। नंबर दो, जो उन्होंने विकास की बात कही है, आज 7 साल हो गए हैं हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बने हुए, एलेनाबाद की तरफ इन्होंने आंख उठा करके भी नहीं देखा।
10 साल कांग्रेस राज करके चलेगी, कांग्रेस ने इलाहाबाद के लिए कुछ भी कार्य नहीं किया गया। 17 साल पहले जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की हरियाणा में सरकार हुआ करती थी, उस टाइम अनेकों नहर और माइनर बना बना करके इस इलाहाबाद हलके को थोड़ा हरा भरा करने का जो प्रयास किया गया था, केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के द्वारा किया गया था। अब ये विकास की बातें करते हैं, 7 साल हो गए हैं इनको, कुछ नहीं यहाँ पर दिखाई दिया। और तो और 27 जनवरी को एवेसिंग ने इस्तीफा दे दिया था, 27 जनवरी से लेकर के आज जो है अक्टूबर आ गया, आज तक भी इनको इलाहाबाद दिखाई नहीं दिया चश्मा लगाने के बाद भी। आज ये यहाँ के विकास की बातें कर रहे हैं तो इनको यहाँ कुछ मिलने अच्छा, वाला वो उन्होंने ये भी कहा कि जो विधायक होता है वो एक वकील की तरह अपने हल्के की वकालत करता है, मुद्दे उठाता है और काम करवाता है, तो अभय सिंह जी ने वो करवाया नहीं? बिल्कुल करवाया, अभय सिंह जी ने पूरा मुद्दा उठाया, इलाहाबाद के हर हक और हकूक के लिए लड़ने का काम किया अभय सिंह जी ने। लेकिन इस सरकार ने जानबूझ करके अभय सिंह जी को डाउन रखने के लिए इलाहाबाद की तरफ किसी प्रकार का कोई काम नहीं करने का मन पक्का बनाया हुआ था, ये तब कटघरे में खड़े। अच्छा, ऐसे कौन से रेडू साहब, ऐसे कौन से काम है जो अभय सिंह जी ने जो फाइलें बना करके भेजी हूँ काम के लिए और वो वहां से कैंसिल हो गई, ऐसा कुछ बता सकते हैं आप? देखिए ये तो मैं फाइलें तो आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर कोई काम हो कि भाई हल्के का ये काम था, सरकार को बोला था लेकिन हुआ नहीं। देखिए ऐसा है, जो अभय सिंह जी ने जो भी हल्के के लोगों ने यहाँ की डिमांड उठाई, आज हल्के के लोग अभय सिंह को दिल से चाहते हैं और ये कहते हैं कि जिस प्रकार से अभय सिंह जी हमारे सुख और दुख का साथी बना है, हमारा एक सुख दुख का सारथी बना हुआ है, अभय सिंह ही बना है। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी एक बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी होते हुए भी इनको हल्के में खड़ा करने के लिए अपना उम्मीदवार नहीं मिला, आज मुझे नहीं पता वो हलोपा का कैंडिडेट है या भाजपा का कैंडिडेट है। ठीक है, वो तो भाजपा में शामिल हो गए, भाजपा ने उन्हें टिकट दे दिया, वो ठीक है, वो होता रहता है और चुनाव से पहले तो खासतौर पर होता रहता है, इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी ऐसी बात है भी नहीं, आप जानते ही हैं राजनीतिक आदमी है। वंदना जी, वंदना पुपली, आपने उनकी बात सुनी, आप बोले फिर मैं शम्मू जी से बात करूंगा कि ये जो राजनीतिक समीकरण है इसमें किस तरीके से इसे देखा जाए। वंदना जी, आपने काम ही नहीं कर करा सरकार की तरफ से। देखिए मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी, अभी मैं एनएलडी के प्रवक्ता को सुन रही थी, उन्होंने आपके प्रश्न का जवाब दिया, उन्होंने कहा कि हमने सरकार को जनता के बीच में लाकर खड़ा कर दिया, मतलब कौन कौन से जवाब आप पूछ कर लाते हैं, आपकी मेरे ख्याल से कोई मीटिंग बैठती होगी कि अब क्या जवाब दिया जाए, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो बार बार आपके सामने खड़े होकर आ जाता है कि जिस मुद्दे को लेकर आपने रिजाइन किया तो मुद्दा आज वहीं पर ही है। तो जिस तरह से आप उंगली कटकर शहीद होने वाली बात की थी, आप लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे थे, वो मुझे लगता है कि उसका जवाब आज भी आपके पास नहीं है। सबसे बड़ी बात जवाब है, अगर आप सुनना चाहो तो मैं जवाब दे देता हूँ इस बात का आपका। भाई साहब मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं अभी आ रहा हूँ, रेडू साहब आपके पास आ रहा हूँ, आप जवाब दीजिएगा, वो बोल रहे हैं, बोल दीजिए। चैनल पर बहुत अच्छे ढंग से बात होती है, ठीक है, आप अपनी बात रखें। वंदना जी, वंदना जी, आपके ही एक प्रवक्ता थे एक चैनल पर, बोल रहे थे कि हमने अभी चौटाला जी इसलिए इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं क्योंकि जो कांग्रेस है वो विधानसभा में ठीक से प्रश्न नहीं उठा पा रही है। तो मतलब पहले आपको विश्वास था कि कांग्रेस प्रश्न उठा लेगी इसलिए आपने रिजाइन कर दिया, तो उस प्रश्न का तो आपके पास जवाब नहीं है। जहां तक अरुण जी का भी प्रश्न था, उन्होंने कहा था विकास के मुद्दों की वो बात कर रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि सेम का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहा है इलाहाबाद में, और वो क्योंकि पूरे सिरसा जिला का था तो सुभाष बराला जी ने इस मुद्दे को उठाया है, अभय चौटाला जी ने कभी भी इस मुद्दे को नहीं उठाया, और विधानसभा की सारी रिकॉर्डिंग होती है, आप कभी भी कोई भी आप चाहें तो आप उसको चेक कर सकते हैं, उन्होंने कभी भी इलाहाबाद के प्रश्न को नहीं उठाया है। जहां तक हमारी तरफ से बात है, मैं ये मानती हूँ कि जितने भी सब स्टेशन बनाने की बात हो, 7 नए सब स्टेशन हमने बनाए, 332 नए ट्रांसफर हमने बनाए, एक कॉलेज है श्री गुरु हरि सिंह कॉलेज, वहां पर 501.18 लाख की लागत से एस्ट्रोटॉप हॉकी मैदान का उद्घाटन किया गया, सेक्टर 19 में 33 केवी का, ठीक है, मुझे लगता है देखिए अच्छा ये बहुत सारे इतना काम, जब इतना काम, हाँ 32 ही बनाया गया, हाँ इतना काम वो बता रहे हैं सरकार के, उसमें तो इसमें विधायक का भी तो कुछ होगा ना मैडम, उनको भी तो थोड़ा सा वो देंगे कि उनको भी क्रेडिट जाना चाहिए, विधायक वहां से वो हैं कुछ तो उन्होंने भी किया होगा, या जितने काम आप गिनवा रही हैं उतने काम सब सरकार ने डायरेक्ट ही किए। विधायक का क्रेडिट मैं 100% दे देती, सरकार भी दे देती अगर उन्होंने किसी प्रश्न को उठाया। चलिए रेडी साहब, आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे वंदना जी का, मैं चाहता हूँ आप जवाब दें, फिर मुख्यमंत्री जी के पास फिर हमारे साथ सुरेश रोड कांग्रेस पार्टी से भी जुड़ गए हैं।
चलिए अरुण जी सेम का मुद्दा उठाया। मैंने इनके पहले प्रवक्ता से यही क्वेश्चन किया था, भाई सेम के लिए तुमने क्या किया है, मुझे बता दो जरा थोड़ा। उन्होंने कहा हमने सेम को सुधारने के लिए 98 करोड़ रुपए का बजट जारी करने का काम किया, लेकिन कब किया, इलेक्शन की घोषणा होने के बाद। ये कहते हैं हमने जारी किया, हमने घोषणा किए, ग्राउंड लेवल पर कोई भी काम नहीं किया गया। वंदना जी ने बताया हमने ये उद्घाटन कर दिया, वो उद्घाटन कर दिया, आखिर ये इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद उद्घाटन करने की सूद क्यों आती है? 7 साल तक आपने कोई काम क्यों नहीं किया इस हल्के में, क्यों नहीं आ पाए यहाँ पर? आपका कोई किसी दिन मुख्यमंत्री ने इलाहाबाद में कोई प्रोग्राम किया हो तो मुझे बताइए, आपके किसी प्रधान ने अध्यक्ष ने इलाहाबाद में कोई प्रोग्राम किया हो तो मुझे बताइए, आपका कोई भी प्रतिनिधि इलाहाबाद में आकर के चला हो तो मुझे बताइए, एक दिन भी आपने हल्के की सूद लेने का काम नहीं किया। अब इलेक्शन आ गया वंदना जी, आप दावे कर रहे हैं हमने घोषणा की, घोषणाएं रह जाती हैं, ग्राउंड लेवल पर कुछ काम नहीं होता, और ये भी केवल और इलेक्शन के लिए। ठीक है, केवल घोषणा थी अरुण जी आपको। हाँ। अभी मैं देख रहा था कल एक ट्रक भर के जो ना वो खंभों को आ गया। हाँ। तो आज कौन सा उनको बिजली की जरूरत पहले नहीं हुआ करती थी क्या, वो आज ही ट्रक भेजने का काम किया, जहाँ ये चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, सत्ता का नजायज फायदा उठा करके लोगों को खरीदने की ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो वो तो आप कह रहे हैं कि उनके दिलो दिमाग में अभय सिंह चौटाला है, तो फिर उनको कौन खरीद सकता है? कोई नहीं खरीद पाएगा, लेकिन एक असफल प्रयास कर रहे हैं, असफल प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ सुरेश रोड भी जुड़ गए हैं। सुरेश जी आपका भी स्वागत है, लेकिन उससे पहले शंभू भद्र, ये जो राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं, शंभू जी अगर आप सुन रहे हैं तो आपसे सवाल है, ये जो राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं, इसमें आपने सुना, देखिए एक सवाल तो बीजेपी के सामने है वो ये कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ उनको वापसी नहीं हुई, तो उस पर अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया था। अब जब वो दोबारा आए तो वो कहते हैं कि इस चुनाव से ये साबित हो जाएगा कि ये 3 कृषि कानून गलत है और किसान इन्हें नहीं चाहता है। ठीक है, दूसरी बात ये, अभय सिंह चौटाला के सामने ये सवाल है कि जब आपने इस्तीफा दिया था जिस मसले पर, वो मसला तो ज्यों का त्यों है, फिर आप क्यों दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के सामने कैंडिडेट नहीं मिल रहा, तो बीजेपी से कांग्रेस में आए, उनको उन्होंने टिकट दे दिया, तो भरत बेनीवाल कहीं ना कहीं वो नाराज बैठे हुए हैं, अभी तक भी उनको पता नहीं माने हैं दिल से कि नहीं माने हैं, अभी तक चीजें स्पष्ट नहीं है। इन तमाम राजनीतिक परिस्थितियों में एलनाबाद का इलेक्शन क्यों खास हो जाता है और इसके मायने क्या है? देखिए इसमें जो मेन है कि इलाहाबाद का चुनाव दोनों के लिए, इनेलो के लिए और बीजेपी दोनों के लिए एक परीक्षा है, एक तरह से परीक्षा है दोनों के लिए, क्योंकि जिस मुद्दे पे इनेलो ने इस्तीफा दिया था वो मुद्दा आज भी वही है, तो इस चुनाव के बाद वो देखे उनको लगेगा कि उनके मुद्दे के साथ जनता है या नहीं है। दूसरा कि बीजेपी के लिए बड़ी बात यह है कि 3 कृषि कानूनों को लेकर के जिस तरह से विरोध है, जिस तरह से बात की जाती है, अगर बीजेपी जीतती है तो बीजेपी का स्टैंड फिर कुछ अलग हो जाएगा, और कृषि कानून को लेकर के उनको जो एक कोई खतरा या लॉस या किसी तरह की बात दिखाई देगी, जैसा बीजेपी कहती रही है वो उनकी बात सच हो जाएगी चुनाव में जीतने से। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये चुनाव इन्हीं दो पार्टियों के लिए मुख्य रूप से परीक्षा है। कांग्रेस बीच में जरूर है और कांग्रेस के होने से लाभ बीजेपी को है, क्योंकि जो एंटी गवर्नमेंट वोट है वो निश्चित रूप से इनेलो और कांग्रेस में उसका विभाजन होगा, और वहाँ पे अगर आप जातीय इक्वेशन देखें, कास्ट इक्वेशन देखें, अगर वहाँ पे तो 37% जाट बाहुल लोग हैं, और उसके अलावा आप 63% है जो कि गैर जाट है, और उसमें से आप देखिए कि ओबीसी है 24% के आसपास और एससी है 22% के आसपास। तो अभी ओबीसी और एससी पर बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है, ओबीसी पर केंद्रीय मंत्रिमंडल से लेकर के, और आपने देखा कि केंद्र के स्तर पे कई सारे फैसले हुए हैं जिसमें आरक्षण से लेकर मंत्री बनाने तक की बात है, तो ओबीसी पर से इनको उम्मीदें हैं कि वहाँ पे एज ए वोट कन्वर्ट हो जाए। दूसरा कि दलित को लेकर के जो हरियाणा में क्या हुआ है कि बीएसपी कभी मजबूत रही नहीं है, तो दलित के सामने जो वोट है वो कांग्रेस और बीजेपी में ही वोट मोटा मोटी बांटते रही है, या तो कांग्रेस की तरफ गई है या बीजेपी की तरफ गई है। इधर हाल के इलेक्शन में देखेंगे तो बीजेपी की तरफ झुकाव दलितों का ज्यादा परसेंटेज रहा है बनस्पत की दूसरे दलों के अपेक्षा में, तो वहाँ भी उनको इलाहाबाद में इस कास्ट सिचुएशन में लाभ मिल सकता है।
और बीजेपी ने जिस तरह से पूरे वहां पे दम खम जोर, अभी जो पंचकुला में हुआ है बीजेपी की बैठक हुई है, प्रांतीय परिषद की बैठक हुई है, तो उस बैठक में पूरा एजेंडा यही था कि इलाहाबाद में कैसे बेहतर मैसेज दिया जाए, कैसे ग्राउंड लेवल पे काम किया जाए और बड़े से बड़े लोगों को कैसे ले जाया जाए, मतलब जन जन तक हर वोटर तक संपर्क करके उनको वोट देने के बारे में प्रेरित किया जाए। और जिस तरह की तैयारी इलेक्शन को लेकर के बीजेपी के पास होती है, आप ये मानेंगे कि देश में किसी और पार्टी के पास इलेक्शन के लिए इतनी मजबूत तैयारी नहीं होती है, चाहे कोई भी पार्टी हो। बीजेपी मास पार्टी होते हुए भी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इनेलो हो, या कोई और पार्टी उठाकर देख लीजिए, तो उनको इलेक्शन को वो फाइटिंग मोड में उस तरीके से नहीं लड़ती है। अच्छा, इसमें एक चीज इसमें कही जा रही है शंभू जी, वो ये कि कांग्रेस पार्टी जितनी मजबूती से चुनाव लड़ेगी उतना फायदा बीजेपी को जाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो INLD को कर सकती है। इस बात को आप किस तरीके से देखते हैं? मैं इसको इसी रूप में, जैसे आपने कहा है कि निश्चित रूप से कांग्रेस जितनी मजबूती से, और कांग्रेस ने मजबूत कैंडिडेट खड़ा किया है, कांग्रेस ने पूरी ताकत वहां पे झोंकी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा गए हैं प्रचार के लिए, उनके और भी स्टार प्रचारक गए हैं प्रचार के लिए, तो वो भी पूरी ताकत के साथ वहाँ चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, और कांग्रेस के मजबूती से लड़ने से निश्चित रूप से एक बीजेपी को फायदा होने की संभावना है वहाँ पे, इसमें कोई दोराय नहीं है। बीजेपी के लिए खास बात क्या होगी कि बीजेपी एक मैसेज देना चाहेगी, अगर बीजेपी जीतती है वहाँ पे, हाँ। तो इस बेल्ट में, खास करके जिन सिरसा वाले बेल्ट में जहाँ बीजेपी बहुत स्ट्रांग नहीं है, हाँ। वहाँ पे एक बीजेपी की एंट्री हो जाएगी, और एक ये जो मिथक है कि जाट भवन क्षेत्र में बीजेपी नहीं जीत सकती है, ये मिथक भी टूटेगा कि वहाँ पे बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज करा करके एक एंट्री की है, तो एक राजनीतिक रूप से बीजेपी को फायदा होगा, और बीजेपी अपनी पॉलिटिकल गेन के लिए वहाँ पे ज्यादातर चीजें कर रही हैं कि कैसे एक प्रॉपर मैसेज दिया जा सके। ठीक, और है। आपने देखा होगा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम में मनोहर लाल की तारीफ की है, उनके कामकाज की, तो ये इनडायरेक्टली इलेक्शन को भी मैसेज देना है। जो इलाहाबाद में उपचुनाव है वहाँ पे एक जनता को एक तरह का मैसेज है कि मनोहर सरकार देखिए अच्छा काम कर रही है, केंद्र सरकार भी मनोहर सरकार के काम से खुश हो। ठीक है, तो इसमें माने ये बेशक ग्राउंड पे कोई खास काम ना दिखता हो, ये चुनाव जैसा आप कह रहे हैं कि उससे ये माना जाए कि ये चुनाव जो है संकेत इसके ज्यादा और संदेश इसके ज्यादा रहेंगे, हार जीत से टेक्निकली कोई बहुत ज्यादा फर्क किसी को पड़ने वाला पड़ने वाला तो सिर्फ बिल्कुल पड़नी है ना, संकेतों जजपा के लिए एक चीज है कि जजपा का जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो तो यही 5 साल है प्रदेश में, यही मान के चलिए आप, बिल्कुल उनका पॉलिटिकल फ्यूचर यही है। और बीजेपी के साथ प्लस पॉइंट ये है कि बीजेपी अभी मान लीजिए जजपा के साथ है, लेकिन हाँ। अगर 2024 के इलेक्शन में बीजेपी की संख्या पूरी नहीं होती है, नहीं हाँ। बहुमत में आती है, हाँ। तो उनके सामने इनेलो एक पार्टी होगी जिससे वो गठबंधन कर सकती, तो बीजेपी इस रूप में भी इस चुनाव को मतलब इस तरीके से भी बीजेपी का गणित आगे चलता है। चलिए ठीक है, सुरेश रोड, कांग्रेस पार्टी आज अपने आप को इलाहाबाद के इस उपचुनाव में कहां और किन परिस्थितियों में, किन स्थितियों में देखती है, और किन विषयों को लेकर कांग्रेस पार्टी आगे जा रही है? जब आप वोट मांगने जाते हैं तो कौन सी चीजें हैं जो आप जनता के सामने रखते हैं? दूसरे सवाल का जवाब सबसे पहले देना चाहूंगा जी, बताएं। कांग्रेस पार्टी किसानों के मुद्दे के ऊपर, महिला सुरक्षा के ऊपर, महंगाई के ऊपर, हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं चुनाव में वो आम जनता से जुड़े हुए हैं, जिनका सरोकार आम आदमी से है, आम पब्लिक से। हम कोई हवाई बात नहीं करते कि कभी पचहत्तर पार, कभी अभी 350 पार, ये हमारे मुद्दे हैं। दूसरी बात, आपने मेरे से पहले ये पूछी थी कि कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़ी है, मैं ये बताना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी एक समूचा विपक्ष का जो भूमिका है वो निभाने लग रही है। ये 3 मुहा या 4 मुहा सत्ता पक्ष है जो इलाहाबाद में इस विषय पर अभी तक चर्चा नहीं, मैं जो पैनल को सुन पा रहा था, इसमें अकाली दल भी है, इसमें INLD भी है, और इसमें अकाली दल और INLD की बैसाखियों पर अभी तक सत्ता का सुख भोगने वाली भारतीय जनता पार्टी।
और इसमें इनकी एक पत्तारूपी पार्टी जसपा भी है। आप इनको आपस में कंपटीशन दिखा रहे हैं, आपके ऊपर भी दबाव होता है। नहीं, नहीं, किस बात का देख रहे हो? ये तो आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी का, मैं बीच में नहीं बोला, मेरी बात सुनिएगा। नहीं नहीं, अच्छा, मैं बीच में नहीं बोला अभी तक। चलिए, आप बोले, आप बोले, ठीक है ठीक है, आप बोले, बात पूरी करें। आपने बोला, आपने, आप क्रॉस कर रहे हैं लोगों को। आपने क्या बोला अरुण शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी जितनी वोट काटेगी बीजेपी को फायदा होगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, बीजेपी का कैंडिडेट बीजेपी पार्टी मैदान में उतारने के बाद आत्मसमर्पण कर चुकी है। हरियाणा प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है, मीनू बेनीवाल जो दुष्यंत चौटाला का मार्गदर्शक है। मैं एक बार सर, वो बात पूरी कर लें। आप बोले सुरेश रोड, आप बोले एक बार, आप पूरी कर लें। मैं ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी जेजेपी के आगे आत्मसमर्पण कर चुकी है। चौटाला परिवार की आपसी लड़ाई है। आपने मूल्यांकन ये करना चाहिए कि जेजेपी और INLD की आपसी लड़ाई में फायदा कांग्रेस पार्टी का होगा। आप उल्टा ये कह रहे हैं कि फायदा बीजेपी को होगा। चलिए, अब मैं, बीजेपी वहां पर है, कोई प्रोग्राम वो नहीं कर सकते, कुर्सियां खाली पड़ी हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब मैं बोलूं क्या? अब मैं बोलूं क्या? एकजुट होकर सभी बड़े नेता, चलिए ठीक है, अब कुछ पार्टी के उम्मीदवार जिताकर विधानसभा, चलिए अब सवाल पर आ जाते। मैं आ रहा हूँ शंभू जी, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। एक लाइन कांग्रेस में नहीं, कांग्रेस से एक लाइन पूछिए ना, कि जब आपके पास कैंडिडेट ही नहीं है, बीजेपी से आए हुए कैंडिडेट को आपने टिकट दिया है, हाँ, तो आप किस आधार पर दावा कर रहे हैं? चलिए, ये तो सवाल है, ये तो सवाल जवाब सुन लीजिएगा, बड़ी अच्छी बात पूछी है। चलो, आप पहले इनका जवाब दे दीजिए, फिर मैं सवाल पूछ लूंगा कुछ। मैं बोलूं? हाँ हाँ, बिल्कुल बोलिए सुरेश जी। जब सत्ता पक्ष के लोग प्रवासी पक्षियों की तरह विपक्ष की तरफ आते हैं, ये राजनीति में बहुत बिरली बातें होती है। बीजेपी सत्ता पक्ष अगर कोई आ रहा है तो आप उस हवा को नहीं पहचान पा रहे। आप अच्छे वरिष्ठ पत्रकार बन के बैठे हैं पैनल में। सुरेश रोड, बीजेपी का कोई, अच्छा सुरेश, आप एक बात, कांग्रेस की जीत का एक आधार बताएं। कांग्रेस की जीत का आधार ये है कि कांग्रेस पार्टी के टाइम में धीरी जो है ना जाग में जाती थी। कांग्रेस पार्टी के टाइम में एलनाबाद में आप क्या बात कर रहे हैं? एलनाबाद में जीरी की, अरे एलनाबाद में चुनाव लड़ रहे हैं आप एलनाबाद में चुनाव लड़ रहे हैं, कैथल करनाल में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जहां जीरी की बात आप कर रहे हैं। आप एलनाबाद की बात करें ना, वहां क्या हो रहा है, वहां कितना आपने किया आपने सरकार के दौरान, वो आप बताएं। सेम की समस्या दूर कर दी थी क्या? लोग नहीं पूछते क्या? चावल एलनाबाद के लोग भी खाते हैं, नॉन किसान भी खाते हैं, जो किसानी नहीं करते। देखिए आप बात उसके, अगर दाम की बात, अगर जीरी के दाम की बात, अच्छा एक जो है वो एलनाबाद के लोग भी करते हैं। अच्छा अब एक बात, अच्छा ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी पूरे जोर से चुनाव लड़ रही है या अभी पूरा जोर अभी लगाया नहीं है? नहीं, कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर सभी नेता, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक एकजुट होकर एलनाबाद के चुनाव में जीत हासिल करके अपने मनोहर लाल खट्टर को दोबारा से 40 MLA पर चीफ मिनिस्टर बने रहने के नंबर की शर्त तो कायम करेंगे। चौटाले में बीजेपी के दबाव में रिजाइन देके, किसानों के मुद्दे पर लोगों को बरगरा के 45 MLA में मुख्यमंत्री बने रहने के लिए जो सुविधा प्रदान की थी, एलनाबाद का चुनाव जीतकर उस सुविधा को बंद करने के काम करेगी कांग्रेस पार्टी। आप कोई आधार बता नहीं पाए अभी तक। अरुण जी, जी सर, अरुण जी मैं बोलूं थोड़ी देर के लिए? सर मैं आ रहा हूं आपके पास। शंभू भद्र, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि जब कांग्रेस पूरे प्रदेश में ही एकजुट नहीं है, तो इलाहाबाद में एकजुट होकर कैसे लड़ रही है? चलिए सुरेश जी, इसका जवाब दे। कहां है एकजुट, आप बताइएगा कांग्रेस पार्टी में कहां पर एकजुटता? हुड्डा जी का अलग झंडा है, शैलजा जी का अलग झंडा है, कैप्टन अजय यादव जी का अलग झंडा है, सारे नेता अलग अलग बिखरे पड़े हैं कोने कोने में, किरण चौधरी जी का अलग झंडा है। सुरेश रोड, बात ये है कि जब परिस्थितियां हाथ से निकलती हुई दिखाई देती हैं, तब जाकर के ये बात हुई। ये बात जो शंभू जी कह रहे हैं इसमें, अब इसमें अगर आप ये बात कहें कि आप ये बताएं या वो बताएं, कांग्रेस को आप कहीं काउंट नहीं कर रहे हैं, तो आप पहले परिस्थितियां संभालिए कांग्रेस पार्टी के भीतर की, उसके बाद जरूर काउंट किया जाएगा परिस्थितियां अगर फेवर में बनेंगी। छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लगातार बात कर रहे हैं बैटल ऑफ एलनाबाद।
मैं शिवी, एक आर्किटेक्ट और दिल्ली गवर्नमेंट के एजुकेशन मेंटर भी। मैं जब मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ी थी, बहुत लोगों ने पूछा ऑफिस के साथ कैसे मैनेज करेगी, तो मैंने कहा चाय बनाते बनाते यहां 10 मिनट में मेरी चाय बनेगी, और उतने में मैं एक बच्चे के एजुकेशन मेंटर बनके उसको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ, उससे कंफ्यूजन दूर कर सकती हूँ। 10 मिनट मैं अपने देश के आने वाले कल को दे सकती हूँ। हाय शिवी। हाय अभा। आर्किटेक्ट बनने के लिए मुझे 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए? हाँ, 10th के बाद देखो, दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे, बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 7500004004 पर मिस्ड कॉल दें। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार, मंत्री से संतरी, पहर दर पहर, हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। तक धुम दा, दस हफ्ते, दस बजे, दस मिनट, दुम 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 तक धुम, दस हफ्ते, दस बजे, दस मिनट, डेंगू हट, दस हफ्ते, दस बजे, दस मिनट, दिल्ली से हट, दुम दुम तक धुम, दुम दुम तक, इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो, होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे, नो इफ नो बट, तक धुम, दस हफ्ते, दस बजे, दस मिनट, डेंगू हट, दस हफ्ते, दस बजे, दस मिनट, दिल्ली से हट, चल हट परे हट, परे हट, चल हट और डेंगू, दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है, 10 हफ्ते, 10 बजे, 10 मिनट फिर से अपनाना है, हर रविवार डेंगू पर वार, दस हफ्ते, दस बजे, दस मिनट, डेंगू हट, दस हफ्ते, दस बजे, दस मिनट, दिल्ली से हट। जीत मिलती है ठोस इरादे से, बेजोड़ लगन से, कड़ी मेहनत से, और जीत मिलती है सच्चे साथी के साथ से। जगत जीत आपकी हर जीत का साथी। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। मुल्तानी कुका कफ सिर्फ तुलसी वसा यस्ती मधु पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। जीत मिलती है ठोस इरादे से, बेजोड़ लगन से, कड़ी मेहनत से, और जीत मिलती है सच्चे साथी के साथ से। जगत जीत आपकी हर जीत का साथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, बात हम कर रहे हैं बैटल ऑफ एलनाबाद, एलनाबाद उपचुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल अब मैदान में पूरे तरीके से डट गए हैं। दावे अपने अपने हैं जीत के, लेकिन होगा क्या वो तो जनता को ही तय करना है। इसके इतर विषय बहुत ज्यादा हैं और विकास के मुद्दे एक तरफ उठाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बार बार विकास की बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ INLD की तरफ से बार बात की जा रही है किसान और 3 कृषि कानून। तो कांग्रेस पार्टी भी गाहे बगाहे अपनी बात को जरूर रख रही है, लेकिन होगा क्या ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। विजेंद्र रेडू, अभय सिंह चौटाला ने ये बात कही जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे,
कि एलनाबाद उपचुनाव में जो हार जीत है वो तय करेगी कृषि कानूनों की मान्यता पर, जबकि किसान उनको मानते हैं कि नहीं मानते, मोटे तौर पर ये बात उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी जीत गई तो किसान मानते हैं कि तीन कृषि कानून ठीक है और हम भी मान लेंगे, और अगर बीजेपी हारती है तो बीजेपी को मानना होगा और अपनी जिम्मेदारी बात इस बात को रखनी होगी। तो क्या इसी वजह से और इसी पहलू और इसी बिंदु को आप लोग आगे रख करके चल रहे हैं और बार बार इस बात का जिक्र जो है वो ज्यादा होता है एनएलडी की तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल अरुण जी, मैं बिल्कुल स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा कि अभय सिंह के इस्तीफे के कारण ही आज भारतीय जनता को पार्टी को पब्लिक की अदालत में आना पड़ा है, और अब ये फैसला बिल्कुल पब्लिक करेगी। अगर पब्लिक को लगता है कि तीनों कृषि कानून जो है वो सही नहीं है, वो काले कानून है, तो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से जमानत जब्त होगी। अगर जनता को लगता है कि कानून सही है तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को इसको फायदा मिल जाए। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से हमारे ये शंभू भद्राजी हैं, कहीं ना कहीं ये नाराज ना हो, ये भाजपा प्रो बात कर रही है। ये बार बार कहते हैं कि भाजपा को इलेक्शन लड़ने का बड़ा अच्छा तरीका है। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत एडी चौपे का जोर लगाया था और देश के सर्वोच्च नेता बीजेपी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एलनाबाद में स्पेशल रैली की थी भाई अभय सिंह को हराने के लिए। इसके बावजूद भी ये इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। आज जिस प्रकार से ये हमारा तो इलेक्शन, मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ, और मैं नहीं कर रहा, हमारी पार्टी की तरफ से मैं बिल्कुल क्लियरली ये बात कहता हूँ कि आज ये चुनाव जो है किसानी का चुनाव है, जीत किसान की है, हार किसान की है। अगर किसान को कानून पसंद है तो किसान अभय सिंह हारते हैं, और किसान को कानून पसंद नहीं है। एक मिनट अरुण जी, आप मेरी बात पूरी सुन लीजिए पहले। दूसरी बात, इन्होंने जो बार बार ये कहते हैं कि और कौन सा मुद्दा, महंगाई देखिए आप, 2014 में 190 रुपए का सीमेंट का बैग आया करता था, आज 410 का आ रहा है। स्टील 3600 रुपए क्विंटल होता था, आज 6500 रुपए क्विंटल हो रहा है। रेत की ट्रॉली 1500 रुपए क्विंटल होती थी, आज 6000 रुपए क्विंटल है। मोटरसाइकिल 50000 की निकलती थी, आज 1.5-1.5 लाख रुपए की हो गई है। एक लाख रुपए का बीमा करवाते तो 1000 किस्त हुआ करती थी, आज 4100 किस्त हो चुकी है। और तो टेलीविजन का 400 रुपए का होता था, 450 रुपए का हो गया। गैस 350 रुपए की हुआ करती, आज 1000 रुपए की हो गई है। गैस सब्सिडी आज जीरो हो गया, जो 250 से 350 मिला करती थी। यातायात उल्लंघन पर 100 रुपए जुर्माना होता था, आज 1000 रुपए हो चुका है। ड्राइविंग लाइसेंस की फीस 250 रुपए हुआ करती, आज 5500 रुपए हो रही है। कितनी महंगाई की मार थी, सारी जनता त्रस्त हो रही है। ये कहते हैं कि ओबीसी 64% है, हमारे शंभू भाई ने कहा कि यहाँ पर ओबीसी 64% इस एरिया में है। अरे ओबीसी ही तो इस महंगाई से सबसे ज्यादा प्रभावित है, उसी को तो मारा जा रहा है। 36 बिरादरी को भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी गई इस महंगाई रूपी डाइन ने खाने का काम कर रहा है। वंदना जी, आपका आज रो रही है जनता, दाल रोटी के लिए रो रही है। दो नसीब का खाना जनता को नसीब नहीं होता। किस उम्मीद से मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम पति पत्नी के रूप में काम कर रहे हैं, तो क्या पति पत्नी फेल हो गए थे? बच्चे को साथ में लेकर के आना पड़ा इलेक्शन में, क्यों नहीं पति पत्नी से काम नहीं चल रहा था क्या? अब बच्चे को भी साथ में लेकर के आगे, ये नहीं पता कर लीजिए वो भाजपा के हालात का, मैं आऊंगा शंभू जी, शंभू जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, शंभू जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं फिर वंदना जी के पास। शंभू जी किस उम्मीद से आप इलेक्शन का दावा, ठीक है शंभू जी, पूरा मान लीजिए जितनी बात जगह नहीं आपके लिए। हाँ शंभू जी, ये पत्रकारों पे मीडिया हाउस लगते हैं कि अगर मैं कोई बात मेरी किसी बीजेपी के पक्ष में हो गई तो बीजेपी के होने का आरोप लगते हैं, कई बार कांग्रेस के पक्ष में कोई बात चली जाए तो कांग्रेसी होने के आरोप लगते हैं। तो ये अभी अभी इसी डिबेट तो मैं अरुण जी के पहले ही आरोप लगा चुके हैं आप लोग की जो आप दिखाते नहीं है, और इसीलिए इसीलिए बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, हाँ बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन अब उन्होंने महंगाई का आंकड़ा दिया तो इनसे पूछिए कि इस 4.5 साल में इनके पार्टी के मुखिया कितनी बार विधानसभा में महंगाई का मुद्दा उठाए हैं, कितनी बार पूरे प्रदेश में महंगाई को लेकर उन्होंने आंदोलन किया है,
जनता को तो ये पता नहीं है, आप तो राज्यपाल ऑफिस में जाकर के हमारे मेमोरेंडम निकलवा लीजिए डिप्टी कमिश्नर के थ्रू भेजे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। और लगता है कि कहीं ना कहीं चीजें जिस तरीके से इलेक्शन के दौरान बहुत ज़्यादा बात होती है, अगर वो हर वक्त उस लेवल पर उतने तरीके से बात होती रहे तो शायद कुछ ना कुछ फर्क और दबाव जो है वो हर वक्त रहेगा। वंदना जी आप बोले, फिर सुरेश रोड जी के पास आएंगे। बहुत सारे प्रश्न हो गए तो आप मुझे पूरा टाइम दीजिएगा बात करने का। सबसे पहले जो एनएलडी के प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि जीत किसान की और हार किसान की है, तो आपको बताना चाहूंगी हार तो अभय चौटाला की है और बाई चांस वो जीत गए तो इस्तीफा भी अभय चौटाला का है, क्योंकि किसानों के पीछे छुपकर इन्होंने उंगली कटाकर शहीद होने का काम किया है। ये एक बात बताइए, किसानों का मुद्दा वही का वही है। अगर आपको लगता है कि किसानों की अगर ये इलेक्शन है जिसको मैं मानती हूँ कि विशुद्ध पॉलिटिकल इलेक्शन है, उसको आप किसानों का इलेक्शन बता रहे हैं, तो चढ़ूनी जी को क्यों नहीं लड़वा दिया? विकल्प प्रचार वहां पर अगर लड़ रहे हैं किसान नेता के रूप में, उनको क्यों नहीं सपोर्ट कर दिया? खुद क्यों वापस पहुंच गए? किसान मोर्चा ने उनको निकाल दिया। चलिए कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, वो ऑप्शन और हो जाते, विकल्प केवल विकल्प नहीं, ऑप्शन और भी हो सकते। विकल्प प्रचार की वंदना जी ने बात याद दिला दिया। अरे वो तो ऑप्शन कोई और भी होते सर, वो तो ऑप्शन और भी हो जाते ना। कांग्रेस के पास भरत बेनीवाल नहीं तो पवन बेनीवाल है ना, विकल्प का नाम लिया तो मैंने। चलिए नहीं, वो ठीक, चलिए वो ठीक बात है, चलिए वो ठीक बात है, वो ठीक बात है। उसी तरीके से हमारी बहन है, छोटी बहन है, हमारा जवाब देना फर्ज बनता है। चलिए चलिए ठीक है, वंदना जी आगे, वंदना जी आगे आगे बढ़ते हैं। एक आपने यहाँ पर स्टेटमेंट दी, आपने कहा कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और आपने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की बात की, आज ये सेम स्टेटमेंट अभय चौटाला की तरफ से भी आया है। तो अभय चौटाला जी से भी और आपसे भी एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि जब वो कहते थे कि इलाहाबाद में अगर मैं नहीं जाऊंगा तब भी जीत जाऊंगा तो डर किस बात का है? उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा, उन्होंने किसान समर्थन में इस्तीफा दिया है वंदना जी, और वो दिया है 100% दिया है। अगर ऐसे डिबेट है तो मुझे मत बोलिए। नहीं ठीक है वंदना जी, आप बोलिए, वंदना जी आप बोलिए। चलो मैं चुप, कोई नहीं कोई नहीं, आप बोलिए, राज है आपका, चुप तो करोगे। नहीं देखिए, वो आपके कहने से देखिए, आप उन पर कोई बात करेंगे वो सफाई तो दे रहे हैं ना। अब ऑडियो डाउन उनका करेंगे कि नहीं, ऐसे नहीं कर, ऑडियो डाउन नहीं कर रहे किसी का भी। वंदना जी आप अपनी बात रखें, चलिए आप अपनी बात रखें। उन्होंने कहा कि सेम की समस्या के लिए मैंने किसी प्रवक्ता से पूछा था और उन्होंने कहा कि हमने 58 करोड़ का प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि वो प्रोजेक्ट लाया नहीं गया है। आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए भी कहा कि उद्घाटन कर दिया गया, तो शिलान्यास और उद्घाटन में फर्क होता है। आपने कहा शिलान्यास कर दिया गया, शिलान्यास नहीं हुआ, उद्घाटन हो गया है। और सेम की समस्या के लिए भी बोरवेल के माध्यम से जो ये इसका काम चल रहा है और एक रूपाना बिश्नोया गांव है जहां पर ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर काम ऑलरेडी किया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको ये एक चीज और बताना चाहूंगी, यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। उन्होंने यहाँ पर कहा कि चीरी गई जहाज में हमारा ये वाला मुद्दा है, तो वही सोनीपत और रोहतक में जहाँ पे चीरी आपके हिसाब से जहाज में जाया करती थी, वहां पर 19 के इलेक्शन में सांसद भी जहाज में ही चले गए, वो पूरे देश ने देखा था, पूरे प्रदेश की जनता ने देखा था। लेकिन बड़ी बात कही आपने, कहा कि आ रहे हैं सुरेश जी, सुरेश जी आपके पास आऊंगा। अगर गठबंधन बैसाखी लगता है तो मुझे एक बात बता दीजिए, अगर अप्रताप वेंटिलेटर पर है, आपके राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी पूरे भारत में घूम घूम के सबसे जो सपोर्ट मांगते हैं और कहीं ना कहीं महागठबंधन बनाने की भी बात करते थे, और महाराष्ट्र में भी आपका गठबंधन चल रहा है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? आप तो वेंटिलेटर पर है। मतलब लोकतंत्र की जो मान्यताएं हैं आप उनको बैसाखी बोलते, तो आपको सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। सीधी सी बात है, आप पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं, आपके घर की लड़ाई तो सुधर नहीं रही है। आप इलाहाबाद की बात करते हैं, अभी अरुण ने आपसे एक प्रश्न पूछा कि बाकी लोग तो और दिखाई नहीं दे रहे हैं, तब आपने क्या बोला? कैप्टन अजय यादव की रेवाड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बाकी की और कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इलाहाबाद तो है ही नहीं आपकी, यानी कि आप मान गए।
कि इलाहाबाद में तो हम इंटरफेयर ही नहीं करेंगे। अगर कैप्टन अजय यादव रेवाड़ी देखेंगे तो इलाहाबाद कौन देखेगा, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत देखेंगे तो इलाहाबाद कौन देखेगा। तो आप तो ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हैं, ये हम सबको मालूम है, आपको मालूम है, बिल्कुल फ्लैट है, कहीं पर कोई तरीका नहीं है। ठीक है, आप पवन बेनीवाल को ले आए, भरत सिंह बेनीवाल ने कान का ऑपरेशन करवा लिया, वो हॉस्पिटल में बैठे हैं, पहले बोल रहे थे कि मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। तो मुझे लगता है कि एनएलडी और कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं वो खिला गए हैं पूरी तरह से एक कंपटीशन में आने का। हम तो कहते हैं हमारे लिए अवसर है, कहते थे ना गढ़ है, हम तो कहते हैं हमारे लिए अवसर है, और साथ ही साथ इलाहाबाद की जनता के लिए भी अवसर है कि वो मान ले, और कृपया करके ये भ्रम फैलाना बंद कर दीजिए। एनएलडी के प्रवक्ता से कहना चाहूंगी, ये विश्व पॉलिटिकल इलेक्शन है, सुरेश रोड का इससे कोई लेना देना नहीं है। सुरेश रोड, देखिए वंदना जी ने जो बात कही है इनकी बात का कोई सिर पैर नहीं है। मैंने रेवाड़ी की बात ये कही जब मेरे को ये पूछा गया कि अलग अलग बात करते हैं विधानसभा में, अलग अलग बात हर नेता करेगा जो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसके लिए वहां के कुछ उठाएगा। मैंने ये कहा, अब मेरी बात सुनिएगा, मैंने ये कहा कि इलाहाबाद में पूरी कांग्रेस एकजुट है, आप पता नहीं कहां से। आज ठीक, चलिए ठीक है, इस पर चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं सुरेश रोड, आगे आगे। दूसरी बात, राहुल जी प्रियंका जी का नाम लिया, इस सरकार ने जनमत खो दिया है। नरेंद्र मोदी के हलके में प्रियंका गांधी जी की इतनी विशाल रैली होना, और पूरा मीडिया भी और पूरी की पूरी बीजेपी भी उसके ऊपर इनको सांप सूंघ गया, और राहुल जी की ये बातें करते हैं। राहुल जी से बड़ा नेता बीजेपी में कहीं नहीं है। मैं एक चुनौती देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, इलाहाबाद में जी तभी अमेठी छोड़कर वायनाड भाग गए, उनसे बड़ा नेता कोई नहीं है। तो अमेठी छोड़ के नहीं गए, अमेठी में धूल चटाई जाएगी, चिंता नहीं करो, अमेठी में भी लड़ा जाएगा। भी मैं ये कहना चाहता हूँ, इसी आपकी बात को बड़ी करता हूँ, मैं खुली चुनौती देता हूँ, आज बीजेपी की कश्मीर से कन्याकुमारी तक बीजेपी की ब्लॉक लेवल की यूनिटों का चुनाव करा लो नरेंद्र मोदी के पक्ष में, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक राहुल जी के लिए करा लो। अगर 50% बीजेपी की ब्लॉक यूनिट नरेंद्र मोदी के खिलाफ मतदान ना दे, अभी इलाहाबाद में आ जाइए, राजनीति छोड़ देंगे अभी। अब इलाहाबाद में आइए, इलाहाबाद में आइए, पूरी कांग्रेस एकजुट है, इलाहाबाद में आइए, पूरी कांग्रेस एकजुट है। इलाहाबाद पंचायती चुनाव में तब कर इलाहाबाद ठीक है, इलाहाबाद वो छोड़ते हैं वंदना जी उसको छोड़ते हैं वंदना जी, अभी इस पर बात करते हैं। अभी इलाहाबाद में एक तो मुख्य विषय ये है, बोलिए सुरेश जी, बोलिए सुरेश जी, बोलिए। ये बीजेपी वालों को डिबेट में कोई ढंग का व्यक्ति भी नहीं भेज सकते जो बात सुन ले, बीच में बोले जा रही है, सब सुन रहे हैं, कोई चैनल पे सब सुन रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप ढंग के व्यक्ति की मांग कर रहे हैं, और ये ढंग की महिला ही है, व्यक्ति नहीं है। महिला हो या पुरुष हो, यहाँ विषय के ऊपर बात होती है। चलिए मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो रहा हूँ, इस पूरी चर्चा को आगे लगातार बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट, 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे हट परे हट, चल हट और डेंगू, इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है, हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार, मंत्री से संतरी, पहर दर पहर, हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए
सिर्फ खबर फास्ट पर। मैं शिवी, एक आर्किटेक्ट और दिल्ली गवर्नमेंट के एजुकेशन मेंटर भी। मैं जब मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ी थी, बहुत लोगों ने पूछा ऑफिस के साथ कैसे मैनेज करेगी, तो मैंने कहा चाय बनाते बनाते यहां 10 मिनट में मेरी चाय बनेगी, और उतने में मैं एक बच्चे के एजुकेशन मेंटर बनके उसको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ, उससे कंफ्यूजन्स दूर कर सकती हूँ। 10 मिनट मैं अपने देश के आने वाले कल को दे सकती हूँ। हाय श्रीदी। हाय अभा। आर्किटेक्ट बनने के लिए मुझे 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए? हाँ, 10th के बाद देखो, दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 7500004004 पर मिस्ड कॉल दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चर्चा हम कर रहे हैं इलाहाबाद के उपचुनाव पर, और ब्रेक पर जाने से पहले सुरेश रोड कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो अपनी बात रख रहे थे, सुरेश जी एक बार फिर से आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं, और माफी के साथ कि हमें एकदम इमरजेंसी ब्रेक पर जाना पड़ा, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। सर जी, मैं यही कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल जनमानस से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर चुनाव मैदान में है, और बीजेपी या बीजेपी की बीटी हो चाहे जेजेपी हो, प्रदेश के जो वासी हैं। पहले बात, अच्छा भरत बेनीवाल मान रहे हैं क्या? भरत बेनीवाल, भरत बेनीवाल जी का बिल्कुल आशीर्वाद, उनका सहयोग, उनकी सपोर्ट हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार पवन बेनीवाल के साथ में है। अच्छा, वो प्रचार में अब उतर रहे हैं? बिल्कुल उतर रहे हैं। उन्होंने उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बिल्कुल चुनावी मैदान में उतार दिया। अच्छा, और आगे अब कांग्रेस पार्टी के स्टार कैंपेनर कौन रहने वाले हैं आने वाले दिनों में? कांग्रेस पार्टी के स्टार कंपेनर की लिस्ट आपके चैनल के पास अगर ना हो तो मैं भिजवा देता हूँ। नहीं नहीं, फिर भी आप बता दीजिए ना। अच्छा, हमारे हर बड़े नेता, कौन? हाँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हाँ, हमारी माननीय कुमारी शैलजा जी हैं, हाँ, जिनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। हाँ, हाँ, हमारे सीएलपी के लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, रैली करके गए हैं। हाँ, और हमारे राष्ट्रीय नेता चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला, हाँ, अपनी व्यवस्था के कार्यक्रम से टाइम निकालकर वो उनका जरूरी है वहां पर रहेगा कैंपेन। महत्वपूर्ण है, बाकी तमाम नेता जो, हाँ, चाहे कैप्टन अजय यादव भी, हाँ, ये वंदना जी मुस्कुरा रहे हैं शायद, हाँ, ये कैप्टन जी से विशेष इनको कुछ लगाव है, ये रेवाड़ी के शायद उसी साइड से, जहां तक मैं जान पा रहा हूँ, बंद रखते होंगे, ये जरूर उनका जिक्र सुनना चाह रहे हैं। कैप्टन जी की भी फोटो आपको मैं भिजवा दूंगा वहाँ। मुस्कुरा रही हूँ, वंदना जी आपको अचानक से दिखाई दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकती जी। नहीं नहीं, वो ये आपकी बात सुन करके मुस्कुरा रही थी, जो आप कह रही कि आपके जो तमाम नेता जो अलग अलग नाम आपने लिए, हालांकि मुझे लगता है कि रणदीप सुरजेवाला जी का नाम आप ले रहे थे जब भी वो मुस्कुरा रही थी वंदना जी। वो सारे बड़े नेता, तमाम बड़े नेता वहीं पर मिलेंगे, हमारे तो प्रभारी भी वहां पर है, बीजेपी के प्रभारी दिखाई दिए आपने अब तो समय समय बहुत। अच्छा हाँ, ये ठीक है, शंभू भद्र जी, जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो जी, शंभू जी बोले, आवाज कट गई थी, उसमें आवाज सही से जा नहीं रहा था। जी जी, अब आप बोलिए शंभू जी, आप बोल सकते हैं, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर हम रेडू साहब के पास जाएंगे। चलिए, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से हमारी टेक्निकल टीम से गुजारिश कि वो तुरंत इस तकनीकी खामी को दूर करें। रेडू साहब, बात अब ये है, एक तरफ बीजेपी जो है वो बात कर रही है विकास की,
और वो जो देखिए उनका वो दावा है, वो कह रहे हैं कि हम विकास की बात कर रहे हैं कि आपने जैसे कहा कि भाई ये किसान की हार होगी, किसान की जीत होगी, वो कह रहे हैं कि भाई हार भी होगी अभय सिंह चौटाला की, अगर वो जीत भी जाते हैं तो फिर से वो इस्तीफा दे देंगे, ये बात वो कह रहे हैं। और फिर से वही बात का जिक्र बार बार आ रहा है कि उंगली कटाकर शहीद होने वाली अगर जो चीज़ हुई है तो उसके बाद तो बहुत सारे और ऑप्शन थे जिनका जिक्र भी आया, उसमें से कुछ ऑप्शन को आप नकार भी रहे हैं, तो इस पर आप अपनी पूरी बात अपनी रख दें जो वंदना जी कह रही थी, फिर उसके बाद कुछ सवाल। हाँ, वंदना जी को मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो जो इस्तीफे वाली बात बार बार ये भारतीय जनता पार्टी वाले उठाने का प्रयास करते हैं, मैंने इसका स्पष्टीकरण दे चुका हूँ। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को जनता के दरबार में लाने के लिए अवैसी ने इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी को जनता के दरबार में ला करके अवैसी ने खड़ा कर दिया है। जनता इसका फैसला सुना देगी, 2 नवंबर को आ जाएंगे, लड्डू मैं वंदना जी के पास भिजवाने का काम करूंगा। दूसरी बात, मैं बधाई देना चाहूंगा एडवांस में ही कि भगवान करे रणदीप जी 30 तारीख से पहले एक बार जरूर हलके में आने का प्रयास करें, और मुझे लगता नहीं कि वो आएंगे। अरुण जी देखिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से बात है, चाहे वंदना जी कुछ कह रही हो, चाहे अपने गौड़ जी कुछ कह रहे हो, एलनाबाद हलके में भारतीय जनता पार्टी को तो इस वजह से मत नहीं मिलेंगे। हाँ, क्योंकि इन्होंने किसानों के को न केवल कष्ट दिया बल्कि किसानों के जले पर नमक छिड़कने का भी काम किया। अरुण जी ने मेरी बात पूरी सुनो, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी वाले बैठे बैठाए किसानों को पीछे से ऊपर गाड़ी चढ़ा करके मारने का काम करते हैं, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि 1500 की लठपेट की टीम बना लो और किसानों को फोड़ने का काम करो, करनाल में SDM लठ और सिर फोड़ने का काम करते हैं। इसके अलावा वंदना जी ऐसे इसके अलावा ये तो जो किसानों को दर्द, जिसकी एक किसान है जिसके साथ सत्ती बिरादरी जुड़ी हुई होती है, एक तो ये दर्द की जनता इलाहाबाद में आपसे हिसाब लेने का काम करेगी। ठीक है सर, दूसरी बात, जिस प्रकार से आपने महंगाई बढ़ाने का काम किया और गरीब आदमी की रोटी बनने का काम किया, उसका बदला एक मिनट मैं शॉर्ट में कह रहा हूँ सर, शॉर्ट में, लेकिन मुद्दे दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, मुद्दे का जवाब बनना हमें नहीं, वो आप लोगों को चाहिए। बेरोजगारी आज हरियाणा प्रदेश में, अरुण जी ने मेरी बात सुनो, बोलिए बोलिए सर, बोलिए। बेरोजगारी की दर CMIE की रिपोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, जिसके अनुसार 35.7% आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी के किनारे पर खड़ा, जो हिंदुस्तान में नंबर एक पर है। क्राइम में 3.5% के साथ आगे इजाजत नहीं दे रहा, हरियाणा नंबर 3 पर। मुझे सबसे बात करनी है, फाइनल कमेंट शुरू कर रहे हैं, फाइनल कमेंट सुरेश रोड आपसे शुरू कर रहे हैं, समय बहुत कम है इसीलिए संक्षेप में अपनी बात पूरी कर दें। सुरेश रोड फाइनल कमेंट। किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, इनेलो भी किसानों के नाम से अगर चुनाव लड़ रही है ये गलत बात है, किसानों का इससे कोई लेना देना नहीं। किसानों के मुद्दे पे क्यों दिया, क्यों दिया तो वो क्या कहकर के दिया, किसके कहने से दिया सर? ठीक है सुरेश, सुरेश रोड आप बोलिए अपनी बात, देखिए फाइनल कमेंट है, फाइनल कमेंट है, सुरेश रोड अपनी बात पूरी करें। अरुण जी, यहाँ पर पार्टी की विश्वसनीयता जो है वो साबित होगी, ना कि किसानों की हार, जैसे नालो के साथ ही कह रहे हैं, मैं इसका कड़ा विरोध करता हूँ। किसानों के लिए वो उंगली कटाकर शहीद होने वाली बात है, मैं मानता हूँ। इस्तीफे के तो ये बेहतर जानते हैं, जनता भी बेहतर जानती है। मैं इतना मानती हूँ कि इलाहाबाद का जो चुनाव है वो विकास की लड़ाई है, भय से विकास की लड़ाई है, सामंतवाद से। और जहां तक अभय सिंह चौटाला की बात है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने जनता के जनादेश को ठोकर मारकर जो दोबारा चुनाव लड़ा है वो शंभू अनैतिक है, जनता पर बोझ डाला है वो अनैतिक। कौन सी बात हावी रहेगी? और इनेलो दोनों घिरी हुई है, क्योंकि इनेलो का वहाँ विधायक था पहले, और बीजेपी हमेशा दावा करती रही है कि समान विकास करते हैं प्रदेश का, तो आखिर इलाहाबाद का विकास उन्होंने 7 साल में क्यों नहीं किया? तो ये दोनों ही दल जो है तो रडार पे हैं, इस चुनाव में विकास की अगर कोई पैमाना होगा तो दोनों के लिए जनता परीक्षा करेगी। फाइनली जनता के को डिसीजन करना है कि हमें किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है, वो डिसाइड करेंगे। लेकिन कोई भी किसान की जहां तक बात की, अभी की जा रही है, तो निश्चित रूप से किसान का भला किसी भी दल ने आज तक देश में नहीं किया है, उसमें सभी दल शामिल हैं, बीजेपी भी, कांग्रेस भी, इन्हें लोग भी। तो किसान को पता है, अगर किसान अगर अपने अपने लिए वोट करेगी तो शायद नोटा को वोट करना पसंद करेंगे वो किसान। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए, समय आ गया और इजाजत नहीं दे रहा है, नहीं तो इस चर्चा को और
आगे बढ़ाते बात करते बैटल ऑफ एलनाबाद की। लगातार हमारी टीम फील्ड पर है, ग्राउंड पर है और एलनाबाद के हर मूड, हर वक्त के मूड की हर पहलू को सामने लाने की हमारी कोशिश है और पूरी नजर और पूरी की पूरी कवरेज हम आपको लगातार एलनाबाद की दिखाते रहेंगे। किस तरीके से क्या राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं इस पर भी हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।